मेरे सभी यूट्यूब फैमिली के बड़े को मेरा प्रणाम, छोटे को मेरा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद, मेरे आर्मी वाले भाई बहन को, मेरे किसान भाई बहन को खास प्रणाम। पुष्पा के साथ ब्लॉग में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। अभी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से। तो आज है कार्तिक पूर्णिमा, से आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा से की हार्दिक शुभकामनाएँ सभी की फैमिली पे और सब पे। भोले बाबा की कृपा हमेशा बनी रहे। जय भोले बाबा। आप सभी को पता है कि मैं उत्तराखंड के प्यारे से बागेश्वर जिले के गरुड़ ब्लॉक में रहती हूँ। तो जो हमारा गरुड़ ब्लॉक है उसको कत्यूर घाटी से भी जाना जाता है। तो जो हमारी कत्यूर घाटी है, यहाँ पे ना आज कार्तिक पूर्णिमासी के दिन दो जगह मेला लगता है। एक तो लगता है लिंगथान और दूसरा लगता है पिनाद। तो पिनाद लगभग गरुड़ से गाड़ी में जाके, फिर जो पैदल यात्रा है वो 12 से 13 किलोमीटर है, और लिंगथान भी गरुड़ से हम जाएंगे 10-12 किलोमीटर, और उसके बाद फिर होगी पैदल यात्रा 4 से 5 किलोमीटर की। तो आज गरुड़ ब्लॉक के ना आधी जनता तो जाती है पिनाद और आधी जनता जाती है लिंगथान। तो जो लिंगथान है वो अपने आप में इतना सुंदर है, इतना भव्य है, इतना मनमोहक है, और इतनी शांति वहाँ पे है, और इतनी आस्था लोगों की वहाँ पे जुड़ी है कि वहाँ कोई बिना जाए बिना नहीं रह सकता। तो वहाँ पे बहुत से लोग गए हैं आज। तो साथियों, आज मैं आप लोगों को ना लिंगथान लेके चलूँगी। तो वहाँ पे भोले बाबा की आस्था से जुड़ा हुआ मंदिर है। कुछ भी नहीं है, खुला आसमान है। खुले आसमान के नीचे हमारे बिल्कुल सत्य पे आधारित जो हमारे भोले बाबा का लिंग है वो स्थापित है वहाँ पे। तो उसके ना एक बहुत ही सत्य पे आधारित कहानी है। बहुत पहले की बात थी, एक गाय जो कि नई नई माँ बनी थी वो थोड़ा दूध अपने बछड़े को देती थी, और बाकी दूध जो है पूरे शिवलिंग पर ही डाल देती थी। वही वाले जो लिंग के थान जो शिवलिंग है उसी पर पूरा डाल देती थी। तो अब वो घर रात को तो घर आती थी लेकिन दूध नहीं देती थी। तो उसका जो मालिक था ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया उससे। तो एक दिन ना वो उसके पीछे 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 गया कि आखिर दूध कहाँ दे रही है और क्या कर रही है ये अपने दूध का करके। तो पीछे पीछे जाता है तो वो आश्चर्यचकित रह जाता है कि गाय तो अपने चारों पाँव को शिवलिंग के चारों ओर फैला के बिल्कुल वहाँ पर दूध चढ़ा रही है। तो मालिक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, कुल्हाड़ी से ही ना गाय को वहीं पे मार देता है। उसके बाद सीधे घर आ जाता है। तो उसी रात एक बहुत सज्जन पुरुष को वहीं आसपास पे स्वप्न होता है कि आप भोले बाबा आते हैं सपने में, और वो कहते हैं कि आप मेरी जो शिला है, जो मेरा शिवलिंग है, उसको आप ऐसी जगह ले जाना जहाँ पे मतलब कोई भी इंसान ना रहता हो और ना कोई पशु पक्षी कुछ भी वहाँ पे ना रहता हो। ऐसी जगहों में घनघोर जंगल में मुझे ले जाना, और मुझे वैसी गाय माता का पाप चढ़ गया है क्योंकि मेरी वजह से गाय माता को उसके मालिक ने मार दिया है, और मैं क्या कहते हैं बहुत दुखी हो गया, मुझे एकांत में और बहुत ऊँची जगहों में मुझे ले जाना, ये कहते हैं। तो वो कहता है मैं आपको ले जाऊंगा कैसे सपने में ही, आप तो बहुत भारी हैं, इतने बड़े हैं। वो कहता है आप मुझे पीठ पे रख के ले जाना और मैं फूल की तरह हल्का हो जाऊंगा, और जहाँ पे मेरी स्थापना करनी होगी वहाँ मैं इतना भारी हो जाऊंगा कि तुम एक कदम भी नहीं चल पाओगे, वहाँ पे मेरी स्थापना कर देना। तो जाते ही जाते वो घनघोर जंगल गैर लेक के ऊपर वो जंगल पड़ता है। तो वहाँ पर बहुत भारी वो शिला हो जाती है, वहीं पे उसकी स्थापना की जाती है। तो तब से ना कार्तिक पूर्णिमासी के दिन ना वहाँ पे पूजा अर्चना होती है, और पूरे कत्यूर घाटी के लोग वहाँ पे जाते हैं। उनको पशुपतिनाथ भी कहते हैं ना हमारे भोले बाबा को। तो जिसके गाय भैंस सब दूध देने वाली होती हैं या नहीं होती हैं, जो भी होता है, सभी लोग वहाँ अपने अपने दूध दही मक्खन घी सब लेके जाते हैं और भोले बाबा के लिंग पे उसको चढ़ाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। जगह जगह चूल्हे लगते हैं और खूब सारे पूरे धिनाली में ही पूरे गाय भैंसों के दूध से ही पूरे पकवान वहाँ पे बनते हैं, और बहुत
भव्य वहाँ पे मेला लगता है उस जंगल में, आप कल्पना भी नहीं कर सकते जी। जंगल में अकेले जाने से ही डर लगता है, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन इतना भव्य मेला वहाँ पे लगता है। और लोगों की धारा ना वहाँ घंटियाँ ही नहीं, बहुत से बर्तन वगैरह भी दान किए गए हैं, जिनमें आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन ना लोग दूर दूर से आके खाना बनाते हैं, कोई भी घर से बर्तन नहीं ले जाता है। और वहाँ ना तो चाबी ताला कुछ भी नहीं है, बर्तन को ऐसे ही रख दिया जाता है और पूरे साल भर वो बर्तन वैसे ही रहते हैं। और फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोग उन्हीं में बनाते हैं, उनको साफ करके फिर वहीं रख देते हैं, ना वहाँ पे कोई चोरी होती है न कुछ। और घंटियाँ असंख्य मात्रा में वहाँ पे हैं, और ऐसी आस्था वहाँ पे भोले बाबा की है कि लोग इतने खींचे चले जाते हैं उस जंगल में। तो आप लोगों को सीधे अब ज़्यादा ना बोलते हुए मैं ले चलती हूँ, तो आप लोग ना उठाइए लिंग स्थान का बहुत प्यारा प्यारा लुप्त, और कितना भव्य वहाँ पे मेले का आयोजन हो रहा है। ऐसा घना सा जंगल है और रास्ता तो काफ़ी चौड़ा है। ये बताया जाता है कि रास्ता जो है ना पहले अंग्रेजों का बनाया हुआ है। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। चढ़ाई अच्छी लग रही? चढ़ाई अच्छी लग रही? तो मेरी देवरानी राखी और रीना भी गए हैं, तो अभी चढ़ाई में जा रहे हैं वो लोग। सभी पत्थर खड़े मिलेंगे आप लोगों को यहाँ। ये मन्नतों के पत्थर कहलाते हैं, जो भी व्यक्ति मन्नत करता है तो अपने पत्थर जरूर खड़ा करता है, और जिसकी मन्नत पूरी होती है तो वो यहाँ फिर दोबारा आता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, तो सभी लोग यहाँ पे थोड़ा रेस्ट भी कर रहे हैं और थोड़ा सा वहाँ पे चढ़ावा भी चढ़ा रहे हैं। आस्था से जुड़ा ये मंदिर जो हमारा गरुड़ ब्लॉक है, वहाँ का जो गैरले ग्राम सभा है, वहाँ से ऊपर को एक खड़ी चढ़ाई है, तो वहाँ जंगल में ये मंदिर पड़ता है। आपने देखे होंगे शिव ने हमेशा एकांत चाहा, तभी तो कहते हैं शिव कैलाशों के वासी। हमेशा वो एकांत में रहे और बहुत ऊंची जगहों पे उनका निवास स्थान। Thank you.
तो सभी लोगों ने यहाँ पे लगा लिए हैं चूल्हे। तो सभी गाँव से यहाँ पे लोग आते हैं, तो अलग अलग गाँव के चूल्हे अलग अलग जगहों पे लगते हैं। और सबसे पहले भोले बाबा के लिए भोग सामग्री बनाई जाती है और पाठ किया जाता है सामूहिक। और उसके बाद यहाँ पे है शिवलिंग, इसी पे सभी लोग धिनाली चढ़ाते हैं, मक्खन दूध दही घी सब चढ़ा रहे हैं यहाँ पे। यही है वो साक्षात शिवलिंग जिस पे गाय माता दूध दिया करती थी। गाय और उनका मक्खन उससे लिंग देवता का अभिषेक किया जाता है। हमारे भक्तजन प्रधान जी को भी हम बार बार धन्यवाद देते हैं। ये भक्तजन जो है सभी यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद। जिनके घर में गाय भैंस की उपलब्धता है वो यहाँ पर लोन मिलते हैं। हाँ जी साहब, आज इस बार तो यहाँ ना घास भी नहीं कटी है। पहले से तो सभी लोग गांव में ही रहते थे तो पूरी घास काट लेते थे, लेकिन इस बार यहाँ सारी घास वैसी है। तो लोगों को पहले सफाई करनी पड़ रही है और उसके बाद अपने चूल्हे लगाने पड़ रहे हैं। सिर्फ लोगों को भोजन सामग्री लानी पड़ती है, बर्तन भी यहीं होते हैं, लकड़ी भी यहाँ जंगलों में खूब पाए जाते हैं और पानी भी यहाँ है। लिंग देवता वो जो है लोग मक्खन नौनी से जो है इसका अभिषेक कर रहे हैं। कुछ दुकानें लगा रखी है। हेलो ना जी, और ठीक हो रहा है? कब पहुँचे? कल आज? और ठीक हो रहा है? अच्छा, और तो आप बेकरी का सामान लाए हो, बहुत बढ़िया। क्रीम रोल है? क्रीम रोल बहुत बढ़िया। बढ़िया, नमस्कार नमस्कार। ओ पंदा, ये हमारे पंदा हैं, हमारे गिरतोली के भाई 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 साहब। ये बार जो है लिंग देवता की जय कह दो। वहाँ लिया मुझे सामान, जय हो जय हो गुरु जी, नमस्कार। तो भोले बाबा का इतना भव्य चमत्कार देख के ना मुझे दो लाइन का गीत कहने को मन कर रहा है। भोले तूने दुनिया बनाई ना होती, शंकर तूने दुनिया बनाई ना होती,
तुम्हारा भजन नाम कीर्तन न होता, तुम्हारा भजन नाम कीर्तन न होता। तो साथियों, आप लोगों को ना लिंग थान की कहानी सत्य पे आधारित और वहाँ का मंदिर कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं तो नहीं जा पाई वहाँ, लेकिन मेरी दोस्त के हस्बैंड और मेरी दो देवरानियाँ, मेरी बाद वाली और सबसे छोटी वाली देवरानी और मेरा चचेरा भाई, ये लोग वहाँ गए थे और इन लोगों ने ना बहुत प्यारी प्यारी क्लिप मुझे भेजी और मैंने भी आप लोगों तक लिंगठान का पूरा जो मेला होता है, जो भगवान की प्रति आस्था होती है, वो दिखाने का मेरा प्रयास है। और जो हमारे स्थानीय ये मंदिर हैं, इनके जीर्णोद्धार करने की भी आवश्यकता है। और जबकि ना उतना कठिन भी नहीं है, रोड उसके नीचे तक जा भी सकती है। तो आज वहाँ पे बहुत से ज़्यादा हमारे ज़्यादातर ना बहुत से लोग गए थे वहाँ पे। तो मतलब अगर ना मंदिर के बगल तक ही रोड आ जाए तो बहुत बूढ़े बुजुर्ग भी, जिनके लिए वो सिर्फ सपना है वहाँ जाने का ना, उनका वो सपना भी पूरा हो सकता है। इसलिए मेरी सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि ऐसे धार्मिक स्थानों तक ना आप लोग रोड की व्यवस्था ज़रूर करें, ताकि जितने भी श्रद्धालु हैं वो अपने जो उनके आस्था से जुड़े हैं, जहाँ उनके पूर्वज पूजा करने के लिए जाते हैं, तो वो भी ना वहाँ पे जा पाएँ। तो अब मैं अपने ब्लॉग को विराम देती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने ब्लॉग खूब इंजॉय किया होगा और भोले बाबा की असीम कृपा आप लोगों पे बनी रहे। तो इसी के साथ मैं अपने शब्द को विराम देती हूँ और अपने ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ। कल फिर एक नया ब्लॉग लेके आती हूँ। तो आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय पहाड़।